तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप अपने और अपना पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हमने कल देखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो योजनाओं की समीक्षा करने वाले थे, तो उन्होंने योजनाओं की समीक्षा कर दी है और उन्होंने जोहार पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि योजनाओं का होगा लाइव वेरिफिकेशन, यानी अब जो भी योजनाएं होंगी उसका अब लाइव वेरिफिकेशन होगा, यानी लाइव अपडेट अब लिया जाएगा कि योजना किस तरह से काम कर रही है या फिर उसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। हर चीज़ का लाइव वेरिफिकेशन अब होगा। तैयार रहें अफसर, यानी अफसरों पर अब प्रेशर बनेगा और ये ध्यान दिया जाएगा कि सारी योजनाएँ जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं। तो देख लेते हैं क्या है पूरा मामला और क्या क्या समीक्षा की गई हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का लाइव वेरिफिकेशन होगा, अधिकारी इसके लिए तैयार रहें। आईटी के सहयोग से इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत तमाम योजनाओं की साइट से उसकी प्रगति की जानकारी ली जाएगी। सीएम ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं तय समय पर पूरी हो, योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। सीएम गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में विभागों के प्रधान सचिव या सचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक में जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जोहार पोर्टल पर योजनाओं की समीक्षा की और ये अब बहुत अच्छा हो गया कि सारी योजनाएं अब तय समय पर होंगी, सभी पर गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि लाइव वेरिफिकेशन जब होगी तो अफसर भी जो है वो किसी भी योजनाओं को काम करने के लिए अब डिले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी अब बहाना नहीं चलेगा और सारी योजनाएं जो है समय पर पूरी होंगी और इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज जोहार पोर्टल की पहली समीक्षा हुई है, इसमें कई बदलाव करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में आगे जो भी बैठक होगी उसने मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे ताकि इसकी हर स्तर पर विस्तृत समीक्षा की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलापूर्ति योजनाओं के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसको लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं, जहां पाइपों की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीएम ने कहा कि कई बार जन कल्याणकारी योजनाओं का जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच पाता है, यह किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत विभागीय सचिव व पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं समीक्षा के बाद पत्रकारों से कहा कि सरकार काम तो बहुत करती है, सरकार की मंशा है कि काम कागजों पर ही ना रह जाए, इसलिए जोहार पोर्टल बनाया। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे सीएम के निर्देश में योजना में ऐसी कोई लापरवाही ना बरती जाए जिससे गुड गवर्नेंस पर आ जाए, यानी गुड गवर्नेंस पर पूरी तरीके से ध्यान रखने की बात कही है सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा, ताकि हर एक काम जो है वो समयबद्ध तरीके से हो और सारे योजनाएं जो हैं एकदम इतना अच्छा हो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ पहुंचे और गुणवत्ता का भी साथ में ख्याल रखा जाए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने की बात कही जा रही है। ठीक है, अधिकारी फील्ड विजन कर योजनाओं की जमीनी हकीकत की ले जानकारी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। ठीक है, यानी अब अधिकारों पर ये जिम्मेदारी होगी कि एक्चुअल वो फील्ड पर जाए और देखे कि योजना सही में ठीक से काम कर रही है नहीं और उसकी मॉनिटरिंग भी करे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो उसको दिक्कत को हटाने का भी काम करे। जोहार परियोजना पोर्टल पर 1138 योजना है। ठीक है, टोटल योजना जो है वो 1138 है। 30 मई 2023 तक जोहार पोर्टल पर 1138 योजनाओं की जानकारी है। इसमें 931 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है जबकि 207 योजनाओं को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली है। वहीं 595 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, विभागों में तालमेल हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित कई योजनाएं कई विभागों से जुड़ी होती है, ऐसे में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो ताकि उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके। उन्होंने विभागीय सचिवों
की विविधता मॉनिटरिंग करें। सीएम ने कहा कि दरअसल कई योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती है, योजनाओं में विलंब से उसकी लागत भी बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके लिए योजनाओं की लगातार निगरानी होनी चाहिए। ठीक है, और इस समीक्षा से जो है वो पुलिस एसोसिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और उन्होंने सीएम का आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाते पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी, आप देख सकते हैं, या सीएम हेमंत सोरेन है और ये सब पुलिस अधिकारी है जो उनको लड्डू खिला रहे हैं, बहुत खुश है उनकी इस काम से। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार द्वारा पुलिस अवर निरीक्षण समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली 2016 को निरस्त करने पर, यानी अब इसमें ख़त्म है, अब इंटरनल जो एग्ज़ाम होता था जिसमें कि डायरेक्ट जो है वो सिपाही दरोगा बन जाता था, इस तरह से वो अब डायरेक्ट वो दरोगा नहीं बन पाएगा, अब जो ये नियमावली इसको ख़त्म कर दी गई। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने सीएम का आभार जताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो बहुत खुश है इसके चलते कि समीक्षा विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली 2016 की वो निरस्त कर दी गई। संघ के प्रतिनिधि बाजे गाजे के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मिले, उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 1250 पुलिस कर्मियों का प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश एवं पुराने पेंशन देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को 15 जून को होने वाले पुलिस महाधिवेशन के सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, महामंत्री अक्षय राम, अखिलेश्वर पांडे, अरविंद यादव, धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में एसोसिएशन के पदाधिकारी व पुलिस कर्मी मौजूद थे। तो इसके चलते, इस समीक्षा के चलते काफ़ी ज़्यादा फायदा भी देखने को मिला। अब जो है वो शायद योजना जो है अब काफ़ी अच्छे से लागू भी होगी, काम भी अच्छा से होगा, निगरानी भी होगी, लाइव वेरिफिकेशन, लाइव अपडेट भी लिया जाएगा और जो अफसर है वो अधिकारी जो फील्ड वर्क जाकर उसको मॉनिटरिंग भी करेंगे। ठीक है, और जोहार पोर्टल में देखें तो 1138 योजनाएं हैं टोटल, जिसमें 931 का शिलान्यास हो चुका है, 207 पर योजना पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति हो चुकी है और 595 योजनाओं पर कार्य पूर्ण भी हो चुका है। ठीक है, तो आज सारी चीज़ें हमने देख ली, पुलिस एसोसिएशन वाला सब, ठीक है, योजना के, ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने सब चीज़ देख लिया डिटेल में। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगी और सारी जानकारियाँ आपको हासिल हो पाएंगी। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।